हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आखिरी दिनों में देखने वाले हैं पेपर का पैटर्न कैसा आएगा आप लोगों के एग्ज़ाम में, यानी 2020 में कैसा पैटर्न आने वाला है और किस हिसाब से किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को रखा जाएगा। तो देखिए, हम देख रहे हैं जेट 2019 का पेपर। इसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास, देखिए, 2 घंटे का समय है, यानी आप लोगों का पेपर 12 से लेकर 2 बजे तक होने वाला है। फिर देखिए, प्रत्येक बच्चे की जो सीरीज है वो अलग अलग आएगी, यानी यहाँ पे जो पेपर मेरा है, यानी मेरे को जिस भी बच्चे ने पेपर दिया है उसका जो सीरीज है वो सी सीरीज है। तो सीरीज देखिए, ABCD आती है, मतलब किसी के एग्रीकल्चर पहले आएगा, तो किसी के बायो पहले आएगा, तो किसी के केमिस्ट्री पहले आएगा, और ये उसकी सीरीज है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे रोल नंबर वगैरह भरने हैं, तो आप लोग रोल नंबर वगैरह भर सकते हैं। देखिए, ये जिन्होंने भी भरा है रोल नंबर, आप लोग इसी प्रकार से रोल नंबर भर सकते हैं। चलिए, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आप लोग पेपर करने से पहले 5 मिनट में ये सारे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। अब देखिए, आगे की तरफ चल लेते हैं। जो हमारी सीरीज है सी सीरीज, इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आप लोगों को दिया हुआ है। अब इस पर कोई भी डिपेंड नहीं होती है कि पहले आपको कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। कोई सा भी मिल सकता है, एग्रीकल्चर का भी मिल सकता है, बायो का भी मिल सकता है, केमिस्ट्री का भी मिल सकता है, क्योंकि सीरीज क्या होती है, सबकी चेंज होती है और सबके क्वेश्चन है जो उल्टे पुलटे आते हैं। केमिस्ट्री का पहले आ जाएगा किसी के एग्री का पहले आ जाएगा, किसी के बायो का पहले आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से एक ही साथ मिलने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए आप लोग, 40 क्वेश्चन आप लोगों को एग्रीकल्चर के मिल जाएंगे। 40 क्वेश्चन आप लोगों को मिल गए। अब हम चलते हैं बायो की तरफ। तो देख सकते हैं आप लोग, बायो स्टार्ट हो गई है। अब बायो के भी 40 क्वेश्चन चल सकते हैं। अगर आप लोगों को पेपर देखना है तो आप लोग स्पीड को कम करके ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि पिछले ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए आप लोग, ये 40 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के बायोलॉजी के हैं। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। देखिए, केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। पॉलीमर से आता है क्वेश्चन, साफ साफ बता दिया है आप लोगों को। और ये रबड़ वाला जो क्वेश्चन है ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, तो आप लोगों को अच्छे से रट लेना है जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। 30 क्वेश्चन करेक्ट करने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे अकॉर्डिंग चले तो 30 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। डी ब्लॉक में से ये फिक्स है क्वेश्चन आता है, 3D सीरीज से फिक्स होते हैं क्वेश्चन। और देखिए, आप लोगों को रट लेना है कि स्टीफन रिएक्शन क्या होती है, केनिचारो क्या होती है, परकिन क्या होती है, और हेलोफोलार्ड चैलेंज की रिएक्शन क्या होती है। इन चारों से ही बच्चों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया और हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आता है। आप लोगों को भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो इन चारों अभिक्रियाओं को अगर नहीं भी याद है तो अभी देख लो, मेरे वीडियो से नहीं देख रहे तो गूगल पे सर्च करके देख लो, पर इन चारों रिएक्शन को आज ही देख लो। फिर देखिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। संक्रमण तत्वों का आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूछा ही जाता है। फिर देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। कार्बनिक यौगिक में असंतृप्तता की जाँच, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। टोलेन और फेलिंग को अच्छे से रट लेना है आप लोगों को। रसायन जो विनिमय से सोडियम को मृदा सतह से हटाने के लिए काम लिया जाता है, सोयल साइंस से क्वेश्चन आ गया है और आएगा कल भी आप लोगों के एग्जाम में। देखिए, ये जो टिक लगाए हुए ना, ये टिक राइट नहीं है, ये तो मैंने किसी बच्चे से पेपर लिया है, ठीक है। देखिए, लिथियम निम्न के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, अच्छे से करवा रखा है मैंने पीरियोडिक टेबल में। विकर्ण संबंध पता है आप लोगों को, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब मेरे को आंसर नहीं देना है, आप लोग खुद ही आंसर दीजिए। लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम। बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम। बोरोन के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो विकर्ण संबंध कैसे होता है? यूं, तिरछा। तो
तो लिथियम के साथ कौन दर्शाएगा? आंसर मुझे देना तो नहीं था, फिर भी जब मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है तो आंसर अपने आप आ गया। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, अच्छे से करवा रखा है, अच्छे से करवा रखा है। जहाँ पे मैंने बताया था इस्तला करती एक कारक होता है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। संकरण का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। अगर किसी ने अभी भी नहीं पढ़ा संकरण तो मेरी केमिकल बॉन्डिंग की छोटी सी एक सीरीज है, 5-5 मिनट की वीडियो है, वही देख लो। चलिए देखिए आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हैं। और देखिए हाँ, जो आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट था उससे हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है, तो मोल कॉन्सेप्ट मैंने नहीं करवाया है, बट मैंने मोल कैसे निकालते हैं वो करवा दिया है, तो आप लोगों के क्वेश्चन मोल से डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। फिर देख लीजिए आप लोग, ये फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए फिर से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये देखिए डेयरी टेक्नोलॉजी से। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? संक्रमण धातुएं उष्मा शोषी अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, क्या है बताना है? कोलोइड में टिंडल प्रभाव, मैंने पहले बोला था कोलोइड और पॉलीमर से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए सम बेसिक कंसेप्ट में से गुणित अनुपात का नियम आ गया है। देखिए अगर किसी ने अभी तक भी सम बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने भी सीरीज कंप्लीट नहीं करवाई थी, मॉल तक ही छोड़ दिया था। देखिए फिक्स है, जो नियम होते हैं गुणित अनुपात का नियम या जितने भी 3-4 नियम हैं उनके साइंटिस्ट कौन है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो आप लोग गूगल पे जाके लिख सकते हैं सम बेसिक कंसेप्ट, उसमें जो फर्स्ट ही वीडियो आएगा वही आप लोगों को देखना है, उसमें ही आ जाएगा गुणित अनुपात का नियम किसने दिया। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है, गेलुसेक वाला भी ध्यान रखना है, गुणित अनुपात का नियम, गेलुसेक वाला, गैसों के लिए बहुत सारे नियम दिए गए थे, सब कुछ आप लोगों को किस किस साइंटिस्ट ने दिए बस वो याद रखना है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ये देखिए फिर से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न में मिलेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन ए पार्ट में से देखिए फिर बी पार्ट की तरफ वो चल रहा है, फिर सी पार्ट की तरफ वो चल रहा है, और सबसे लास्ट में डी पार्ट के 10 क्वेश्चन देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बीच में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी पीरियोडिक टेबल चल रही है तो एग्री आ जाएगी, एग्री केमिस्ट्री चल रही है तो चलते ऑर्गेनिक आ जाएगी, है ना। तो आप लोग प्रिपेयर रहें कि क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं आप लोगों को। देख लीजिए आप लोग 21, 22, 23 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, बोला तो मैंने एक क्वेश्चन आएगा, हम लोग जियो से पढ़ के आए हैं और बहुत ही अच्छे से देख के आए स्टेबिलिटी। देख लीजिए ये देखिए मेटलर्जी का क्वेश्चन आ गया, हर टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आने वाला है। फिर देखिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आ गया, फिर ऑर्गेनिक से आ गया, सबसे छोटा आकार किसका होता है? लिथियम का। फिर सोइल केमिस्ट्री, संयुग्म क्षार कौन सा होगा, करवा रखा है मैंने बहुत अच्छे से। क्षारीय धातु, कोलोइड कण, देखिए कोलोइड से कितने क्वेश्चन आ गए, 3रा क्वेश्चन चल रहा है ये, मैंने पहले ही बोला पॉलीमर और कोलोइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। झाग पल्लवन विधि, पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं वो विशेषता क्यों दर्शाते हैं, गोबर की खाद में कितने % पोटेशियम, चुंबकीय कक्षा, क्वांटम संख्या, ये सब कुछ हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख के आए हैं। नील हरित शैवाल, कीटोनेम हाइड्रोजन, मुख्य क्वांटम संख्या इतनी दे रखी है तो कक्षकों की संख्या बताइए, सब कुछ मैंने ट्रिक से करवा रखा है सब कुछ। और यही पैटर्न होगा, बस आप लोगों को क्या दिया हुआ होगा, जो क्वेश्चन के अंदर नंबरिंग है वो चेंज होगी, पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन के अंदर कार्बन की जगह कुछ और लगा के दे दिया होगा, फ्री रेडिकल की जगह कार्बोकेटाइन दे दिया होगा,
तो ये सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो सारा का सारा हमने देख लिया है। फोर्टिकेशन है, इसी पैटर्न पे रहेगा। आप लोग चाहें तो आज के दिन में इसी पैटर्न पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। बस इजी लेवल का ही आता है, बस इतना ही आएगा। कुछ भी हार्ड लेवल का आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के नहीं मिलेंगे। बहुत ही आसान सा है, पैटर्न यही रहेगा। फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, पैटर्न यही रहने वाला है। कभी भी ऑर्गेनिक आ सकती है बीच में, सोइल भी आ सकती है बीच में। कभी भी पार्ट ए बी सी डी के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला है पेपर, तो आप लोग प्रिपेयर रहें। ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करें। और 30 क्वेश्चन तो प्रत्येक बच्चे के केमिस्ट्री में सही होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।